नेता समाज के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अनजाने में मुझसे इस शब्द का उच्चारण हुआ है। वैसे भी नेता समाज के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके सुख दुख में उपस्थित रहता हूँ। मैं सभी लोगों से हृदय से क्षमा मांगता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ उनके जीवन में हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ। डिप्टी सीएम ने एक टीवी कार्यक्रम में अपने बयान से सविता समाज को लेकर जाति सूचक अमर्यादित टिप्पणी की, जिसको लेकर लोगों में गुस्सा देखने को मिला और लगातार सविता समाज से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की मांग उठनी शुरू हो गई। सविता समाज के महासभा अध्यक्ष ने कहा कि अगर डिप्टी सीएम ने समाज के लोगों से माफी नहीं मांगी तो समाज उग्र प्रदर्शन करने को बाध्य होगा। आपको बता दें कि सविता सेन समाज के लोग डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के खिलाफ जगह जगह पर प्रदर्शन कर रहे हैं। सविता सेन समाज के लोगों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर एक टीवी साक्षात्कार में जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप लगाए। इसके विरोध में उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने सविता समाज को लेकर की गई टिप्पणी पर क्षमा मांगी। साथ ही समाज के नेताओं से मिलकर गिले शिकवे दूर किए। उप मुख्यमंत्री ने क्षमा मांगते हुए कहा कि सविता समाज के लिए कुछ अपशब्द निकल गए थे, मैं इसके लिए खेद व्यक्त करता हूँ। भरोसा दिलाता हूँ कि समाज के सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्ते, मैं सविता समाज के सभी लोगों से क्षमा चाहता हूँ। अनजाने में मुझसे इस शब्द का उच्चारण हुआ है। वैसे भी सविता समाज के सारे लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, मैं उनके सुख दुख में उपस्थित रहता हूँ। मैं सभी लोगों से हृदय से क्षमा मांगता हूँ और उनको भरोसा दिलाता हूँ उनके जीवन में हर समय उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूँ।